उम्मीद ना हो वो आपका दिल तोड़े तो बनता है बेवफा। बेवफा कोई भी हो सकता है, दोस्त भी, होस्ट भी, चाचा भी, मामा भी, बुआ, भतीजा, कोई भी। मोनी मेड इन चाइना जी, और आप हैं मेड इन हेवन। थैंक यू बेबी, इसलिए मुझे यहाँ आना इतना अच्छा लगता है। अभी तो शादी हो गई, नहीं तो मेरे और भी बल्ब लेते जो बाहर आना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन जो कि कपिल शर्मा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इनके लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अगर आप कपिल शर्मा के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है कपिल शर्मा के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चले जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कपिल का पूरा नाम है कपिल शर्मा। कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर में हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके फैमिली में 5 मेंबर हैं। उनके मॉम डैड के अलावा एक भाई और एक बहन भी हैं। कपिल के पापा पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। कपिल बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, और आप में से कुछ लोग तो कपिल को गाते हुए देखा भी होगा शायद। कपिल बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन साल 1997 में उसके पापा को कैंसर हो गया, और इसमें इतना खर्चा हुआ कि कपिल के परिवार फाइनेंशियल बहुत कमज़ोर हो गई। फिर कपिल ने कॉलेज में एडमिशन लिया और PCO में जॉब करने लगे। इससे वो अपना परिवार और पढ़ाई चला रहे थे। तब भी कपिल सिंगर बनने का सपना नहीं भूले। कॉलेज टाइम में अच्छे सिंगिंग और मिमिक्री क्या करते थे। कपिल ने थिएटर ज्वाइन कर लिया और इससे वो काफ़ी फेमस हो गए। कपिल के परिवार का पैसे की तंगी की वजह से वो अपने पापा को कभी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड में कभी शिफ्ट नहीं कर पाए, और पैसों की वजह से ज़्यादा इलाज भी नहीं करवा पाए। और साल 2004 में जब उनके पापा की मौत हो गई तो कपिल के परिवार के पास इतने भी पैसा नहीं था कि अपने पापा का अंतिम संस्कार कर सके। वो अपने पापा का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए अपने दोस्तों से पैसा उधार लिया। कॉलेज खत्म करने के बाद जॉब ढूंढने लगे, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिली, तो उन्होंने पंजाबी बैंड का कोराज ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और हर परफॉर्म का 300 का रोज मिलता था उनको। दोस्तों अगर आप द कपिल शर्मा शो देखा है तो आपने शायद चंदू मतलब राजू, जिसका ओरिजिनल नाम है चंदन प्रभाकर, इनको तो आपने देखा ही होगा। एक्चुअली चंदन कपिल के बचपन के ही दोस्त हैं। पंजाबी बैंड में जॉब कर रहे थे तब भी उनके साथ थे। तब उन्होंने एक कॉमेडी शो में हिस्सा लिया था जिसका नाम था हंसते रहो। इस शो में कपिल के परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया, और इस शो के रनर अप भी रहे, और यहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो म्यूज़िक में नहीं कॉमेडी में ज़्यादा ध्यान देंगे, और टीवी इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आ गए। साल 2007 में कपिल ने द ग्रेट इंडियन लफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया, और उनको इस शो में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कपिल ने इस शो के दूसरे शहर में जो ऑडिशन हो रहा था उस पर जाकर उन्होंने ऑडिशन दिया, फिर वो सिलेक्ट हो गए। कपिल के दोस्त चंदन को पहले ही ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन कपिल को दूसरे ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया था। इस शो में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कपिल की ही थी, इसलिए जजेज के साथ साथ ऑडियंस का भी भरपूर साथ मिला उनको। जब विनर का नाम घोषित हुआ तो और कोई नहीं कपिल शर्मा ही थे। ये शो जीतने के बाद कपिल को टीवी इंडस्ट्री में अच्छी पहचान मिल गई, और पैसों की तंगी से भी राहत मिल गई थोड़ी। इस शो से जो पैसा प्राइज मनी मिला था उससे वो अपनी बहन की धूमधाम से शादी करवा दी, और ये शो जीतने के बाद उनको काम मिलने लगा। साल 2008 में उनको छोटे मियाँ शो होस्ट करने का मौका मिला। साल 2009 में लाफ्टर नाइट, उस्तादों के उस्ताद, हंस बलिए में एज ए कंटेस्टेंट के रूप में पार्टिसिपेंट किया उन्होंने, और उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी। और उनको साल 2010 में एक मूवी में भी काम करने का मौका मिला जिसका नाम था भावना को समझो। ये मूवी CD और DVD कैसेट में बेची गई थी, और इसके बाद कॉमेडी सर्कस में एज ए कंटेस्टेंट के रूप में देखा गया। और साल 2013 में कपिल लगातार 6 सीजन जीते थे। इसके बाद साल 2013 में झलक दिखलाजा सीजन 6 होस्ट करने का चुना गया उनको। इस शो को होस्ट करते हुए उन्होंने कॉमेडी नाइट्स कपिल शुरू करने का प्लान बना लिया। कपिल जब ये शो स्टार्ट किया था और बड़े बड़े स्टार्स को इन्वाइट किया था, इस शो में कोई सेलिब्रिटी नहीं आना चाहते थे। सिर्फ एक बार कहने पर धर्मेंद्र जी आ गए थे, और अभी भी कपिल बोलते हैं धर्मेंद्र जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये शो स्टार्ट होने के बाद कुछ ही दिनों में लोगों ने इस शो को बहुत प्यार दिया। अब कपिल सिर्फ TV ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी एक बड़ा नाम बन गया था, और जो सेलिब्रिटी कपिल के शो में नहीं आना चाहते थे अब वो भी इंतज़ार करते रहे कब कपिल उन लोगों को अपने शो में इन्वाइट करे। और लोगों ने उनको इतना प्यार दिया, TRP के मामले में तो इस शो ने सभी को पीछे ही छोड़ दिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल करते हुए उनको एज ए एक्टर के रूप में उनको पहला फिल्म करने का
मौका मिला। ये फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं। कपिल का ये पहला फिल्म था और ये सुपर हिट हुई। कॉमेडी कपिल 2.5 साल तक कलर्स पर टेलीकास्ट होता रहा, जिसमें से 191 एपिसोड दिखाया गया। इस शो के टीआरपी ज़्यादा होने के बावजूद कपिल ने ये शो बंद कर दिया, क्योंकि कलर्स टीवी वाले हफ्ते में एक दिन टेलीकास्ट कर रहे थे। पहले ये शो सैटरडे और संडे को आता था, लेकिन सैटरडे को कॉमेडी नाइट बचाओ टेलीकास्ट होने लगा। कपिल ये चाहते थे कि उनके शो हफ्ते में 2 दिन टेलीकास्ट हो, लेकिन कलर्स टीवी वालों ने इनकार कर दिया साफ साफ। इसके बाद कपिल और उसकी टीम कलर्स टीवी से नाता तोड़ लिया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो बंद होने के बाद कलर्स पर इस शो को रिप्लेस करते हुए कॉमेडी नाइट्स लाइव स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस शो को दर्शकों ने पसंद नहीं किया, इसलिए इस शो को बंद किया गया। कपिल और उसकी टीम ने सोनी टीवी के ऑफिस जाकर एक नया शो स्टार्ट करने का बात किया और सोनी टीवी वाले राजी हो गए। सोनी टीवी पर एक नया नाम और एक नया कैरेक्टर के साथ कपिल की उसी टीम ने शो स्टार्ट कर दिया। इस शो में कैरेक्टर और पंचलाइन सभी बदल दिए गए थे, क्योंकि कलर्स टीवी में काम करते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का पंचलाइन और कैरेक्टर्स दूसरी जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए इस शो का टाइटल द कपिल शर्मा शो था और सभी टीम मेंबर का किरदार भी बदल दिया गया था। कपिल का ये शो पिछले शो से भी ज़्यादा पसंद किया गया, और ख़ास करके सुनील ग्रोवर का डॉक्टर मसूर गुलाटी वाला कैरेक्टर। कपिल का ये शो अच्छा चल रहा था। साल 2017 में मार्च महीने में कपिल और उसकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया एक शो करने के लिए जा रही थी, लेकिन फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो गया, लेकिन झगड़े की असली वजह कभी सामने नहीं आई, नहीं ये पता चला कि फ़ाइट में एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन मीडिया में एक खबर वायरल थी कि कपिल ने सुनील को जूते फेंक कर मारा, लेकिन ये बात उनकी किसी भी टीम मेंबर ने नहीं बताया। इसके बाद कपिल के शो से सुनील ग्रोवर और अली असगर ने नाता तोड़ लिया, और मीडिया ने भी कपिल को दोषी साबित कर दिया। उसके बाद पब्लिक कपिल से नाराज़ हो गई और शो की टीआरपी रेटिंग गिरती चली गई। उस झगड़े के बाद कुछ महीने तक ये शो चल रहा था, लेकिन इस झगड़े की वजह से कपिल की मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी और बीमार में पड़ गए कपिल, और ये शो बंद हो गया। साल 2017 में कपिल ने एज ए प्रोड्यूसर अपनी पहली मूवी फिरंगी में काम किया, जिसमें मेन कैरेक्टर कपिल का ही था। ये मूवी की कहानी कुछ हद तक उसकी फैमिली से मिलती जुलती। जब भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तब उनकी फैमिली मेंबर ने ब्रिटिश की जान बचाई थी। उस ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको जॉब दिया था। कुछ ऐसी ही फिरंगी मूवी की कहानी है। ये मूवी थोड़ी स्लो है, लेकिन कहानी अच्छी है। बट बॉक्स ऑफिस में ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसका असली वजह ये था। उस टाइम पब्लिक कपिल से बहुत नाराज थी। फिरंगी मूवी के ट्रेलर लॉन्च होने के वक्त कपिल ये मीडिया में मेरे खिलाफ बहुत नाराज़गी है, और वो लोग अपने आप ही अनुमान लगा रहे हैं कि मैंने सुनील को मारा। मुझे इससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि किसी भी टीम मेंबर ने सामने आकर ये नहीं बोला कि मैंने सुनील पर हाथ नहीं उठाया था। इस घटना के बाद कपिल ने बहुत कोशिश किया सुनील को इस शो में वापस लाने के लिए, लेकिन सुनील ने साफ साफ इनकार कर दिया। जब कपिल का ये शो बंद हुआ तो कपिल बहुत डिप्रेस्ड हो गए और अल्कोहल काफ़ी मात्रा में लेने लगे। कपिल बोलते हैं शाहरुख खान उस टाइम खूब सपोर्ट किया। शाहरुख बोले कपिल तुम शो के टेंशन मत लो, अपने सेहत पर ध्यान दो, एक बार ठीक हो जाओ शो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। कपिल डिप्रेशन में थे, लेकिन कभी भी अपनी माँ को पता नहीं चलने दिया। धीरे धीरे कपिल वक्त के साथ साथ ठीक हो रहे थे। कपिल के इस रिकवरी में सबसे ज़्यादा उनका साथ दिया था उनकी गर्लफ्रेंड ने, जो अभी उनकी वाइफ है, जिनका नाम है गिन्नी चतरथ। तो चलिए दोस्तों, कपिल और गिन्नी चतरथ की लव स्टोरी जान लेते हैं। गिन्नी 2 साल से नहीं, कहीं दिनों से कपिल के साथ है। कपिल ने उनको पहली बार कॉलेज के दौरान देखा था। कपिल बताते हैं कि पहली मुलाकात में ही गिन्नी कपिल को बहुत पसंद आ चुकी थी। गिन्नी भी टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती थी। कपिल और गिन्नी पहली बार हंस बलिए में नज़र आए थे। हंस बलिए के बाद गिन्नी वापस अमृतसर लौट गई और कपिल अपने शो में बिजी हो गए। पर इतने दूर होने के बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं हुआ। कपिल काफ़ी टाइम पहले ही बता चुके थे कि गिन्नी ही मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। गिन्नी कपिल से 5 साल छोटी थी। कपिल जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और थिएटर कर रहे थे,
काफ़ी फेमस हो गए। कपिल उन दिनों प्ले डायरेक्ट किया करते थे, कपिल स्टूडेंट्स का ऑडिशन लिया करते थे। एक दूसरे कॉलेज गए और वहीं गिन्नी और कपिल की मुलाकात हो गई। कपिल ने गिन्नी का ऑडिशन लिया और कपिल गिन्नी से काफ़ी इम्प्रेस हुए और प्ले के लिए कपिल ने गिन्नी को सिलेक्ट कर लिया। रिहर्सल के वक्त गिन्नी कपिल के लिए खाना लेकर आती थी। कपिल समझ रहे थे कि वो प्ले के डायरेक्टर हैं, इसलिए उनका रिस्पेक्ट कर रही है। बट गिन्नी ने बताया कपिल को पसंद करती है, इसलिए वो खाना लेकर आती थी। कुछ टाइम बाद कपिल के एक दोस्त ने कपिल को बताया, गिन्नी तुमसे प्यार करती है। कपिल को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था और कपिल ने खुद जाकर गिन्नी से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो गिन्नी ने हाँ में जवाब दिया और दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देखने लगे। लेकिन दोनों का शादी होना एक सपना की तरह ही था, क्योंकि गिन्नी के फैमिली कपिल से बहुत रिच थी और उनका कास्ट भी अलग था। उसके बाद कपिल मुंबई आ गए द ग्रेट इंडियन लैफ्टर चैलेंज में ऑडिशन देने के लिए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद कपिल गिन्नी को कॉल करके बोले, हमारा और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर उसी चैलेंज के दूसरे ऑडिशन में कपिल को सिलेक्ट कर लिया गया। फिर एक दूसरे से बात करने लगे। उसके बाद ये चैलेंज कपिल ने जीता और अच्छा खासा पैसा मिला उनको। और कपिल की माँ कपिल के लिए रिश्ता लेकर गिन्नी के घर गई, लेकिन गिन्नी के पिता साफ साफ इनकार कर दिया और कपिल धीरे धीरे टीवी पर फेमस होते गए। बट कपिल को लग रहा था शायद गिन्नी के पापा कभी नहीं मानेंगे, बट गिन्नी हमेशा पॉजिटिव सोच रही थी। उसके बाद साल 2017 में जब वो डिप्रेशन के शिकार हो गए तो गिन्नी उनका हाथ थामे खड़ी रही। और जब कपिल डिप्रेशन से बाहर आए तो कपिल शर्मा सीजन 2 का पूरा तैयारी कर लिया था। इस शो के पहले एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले ही उन्होंने गिन्नी से शादी कर लिया। गिन्नी बोली, कपिल बहुत केयरिंग है, उनके जैसा कोई नहीं है, नहीं मुझे उससे बेहतर कोई मिल सकता है। और कपिल की एक बेटी हुई है। द कपिल शर्मा शो के फर्स्ट एपिसोड पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग TRP आया था। कपिल के इंस्टाग्राम पर इतना फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर इतना है। चलो दोस्तों, कपिल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। कपिल अपने पापा को लेकर प्लेन में सफ़र करना चाहते थे, लेकिन अफसोस जब कपिल सक्सेस हुए इससे पहले ही उनके पापा दुनिया छोड़कर जा चुके थे। नंबर 2, कपिल एक बार UK परफॉर्म करने के लिए गए थे और वहाँ UK के डिफेंस मिनिस्टर जेम्स केनी बिना बुलाए ही कपिल के शो में आ गए थे, जिसे देखकर कपिल काफ़ी हैरान हो गए थे। नंबर 3, फिरंग मूवी एज ए एक्टर ये दूसरी मूवी थी उनकी, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर ये उनका पहला मूवी था। नंबर 4, सचिन तेंदुलकर कपिल के अच्छे दोस्त हैं। सचिन कभी भी कपिल के शो में तो नहीं आए, लेकिन फ़ोन पे काफ़ी बातें होती रहती है कपिल के साथ। नंबर 5, साल 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से अवार्ड भी मिल चुका है कपिल को। ये अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के लिए था। नंबर 6, कपिल के बड़े भाई पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं। नंबर 7, कपिल बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड होस्ट किया है। फैमिली टाइम विद कपिल ये शो भी होस्ट किया है उन्होंने। कपिल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठकर TV के इतने बड़े स्टार बने। उनके ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, लेकिन उनको देखकर किसी को ये नहीं लगेगा कि इस शख्स के ज़िंदगी में इतना कुछ हो चुका है। बट उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी, कितने भी मुश्किलात आई बट वो डट कर खड़े रहे। हालांकि वो कुछ टाइम डिप्रेशन में थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी और मेहनत करते गए, पर आखिरकार उनका मेहनत रंग लाया और इंडिया के इतने बड़े कॉमेडियन बन गए। आज इंडिया के हर एक जबान पर है उनका नाम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कपिल शर्मा का लाइव स्टोरी बहुत पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राजकुमार का सही है, पता है, सीधे VVIP लोगों से मिलते हैं। अच्छा, हाँ, सीधा प्रधानमंत्री से मिलके आएंगे, उसके बाद सीधे कपिल शर्मा से।